हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि समेशन ऑफ सीरीज पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कहती है, इवेल्यूएट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन स्क्वायर शेक स्क्वायर वन अपॉन एन स्क्वायर टू अपॉन एन स्क्वायर शेक स्क्वायर फोर अपॉन एन स्क्वायर ऐसे एंड पे क्या है वन अपॉन एन शेक स्क्वायर वन है। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें सिमेट्री देखनी होती है और क्या कौन सी वैल्यू टेंस कर रही है। तो इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन को। देखिए यहाँ वन अपॉन एन स्क्वायर सब में फिक्स्ड है, ठीक। यहाँ एन नहीं है तो इसको हम एन स्क्वायर नहीं है तो उसको बनाएंगे कैसे। तो जो गिवन सीरीज है हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ क्या मैंने एन स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा किया तो एन स्क्वायर नीचे बन गया, और यहाँ वन को मैंने लिख दिया एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर भी एन स्क्वायर चाहिए था जो कि यहाँ पर नहीं था। अब फंक्शन सिमेट्री में वेरी कर रहा है और आर की कौन सी जो चीज़ें वेरी कर रही होती हैं वो आर पे लिखी जाएगी। अभी देखिए वेरी कौन कर रहा है, ये वेरी कर रही है वन का स्क्वायर, यहाँ टू का स्क्वायर है और यहाँ एन है तो यहाँ एन का स्क्वायर है। तो जो चीज़ वेरी कर रही है वहाँ पर लिख दो आर एटम में आर, ठीक। आर अपॉन एन स्क्वायर शेक स्क्वायर ये चीज़ हो गई। और आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, एक से लेकर एन तक कर रही है, ठीक। तो फंक्शन हमें बनाना होता है इस रूप में, वन अपॉन एन बाहर चाहिए होता है और फंक्शन आर अपॉन एन के रूप में बनाना होता है। तो मैं क्या करूँगा, ये बना है आर अपॉन एन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ। देखिए आर तो ऊपर ना एन स्क्वायर लिख सकता हूँ एन इंटू एन, तो ये वन अपॉन एन हम रख देंगे बाहर और ये आर अपॉन एन, ये भी फंक्शन आर अपॉन एन में ये स्क्वायर है, ठीक हो गए। अब इसे इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब हमें निकालना है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट निकालने का फॉर्मूला होता है लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट आर बट एन। आर की सबसे छोटी वैल्यू कितनी है वन, वन रखेंगे वन अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो। फिर अपर लिमिट का भी फॉर्मूला वही है, आर की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है एन रख देंगे तो एन अपॉन एन वन आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन हमारी सेकेंड है ना वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, जहाँ आर अपॉन एन होता है ना वहाँ पर हमें एक्स रखना होता है, ठीक है। तो देखिए ये वन अपॉन एन को अपॉन निगलेक्ट करना है, बाकी जो टर्म है ना उसके जगह आर अपॉन एन की जगह पर एक्स रखना है इंटीग्रेशन करके। इंटीग्रेशन जीरो से वन एक्स शेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करना, सिंपल इंटीग्रेशन। अब एक्स स्क्वायर को टी मान लो तो यहाँ पर टू एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी आ जाएगा, और लिमिट चेंज करोगे तो जब जीरो रखोगे तब भी जीरो और जब वन रखोगे तो वन आ जाएगा। यहाँ से चेंज कर दोगे इस इंटीग्रेशन को ऊपर वाले हो तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी, ठीक। और शेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वन अपॉइंट टू टेन वन।